नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 15 निर्वाचन क्षेत्रों में कल के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। सभी वाहनों के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर प्रणाली फास्टैग आज से सुचारू रूप से काम कर रही है। असम के मुख्यमंत्री ने फिर कहा, राज्य सरकार जनता के अधिकारों के प्रति वचनबद्ध। व्यापारिक गतिरोध में कमी आने की संयुक्त घोषणा के बाद चीन ने अमरीकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला टाला। और क्रिकेट में एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर भारत से पहले बल्लेबाजी करने को कहा। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कल के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। इस चरण में धनबाद, देवघर, गिरिडीह और बोकारो जिलों में 15 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। नक्सलग्रस्त बागोदर, जमुआ, गिरिडीह, डुमरी और टुंडी निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि शेष 10 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार चौबे ने बताया कि मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। उन्हें आज दोपहर तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान उन इलाकों में पहुंच गए हैं जहां कल मतदान होने वाला है। राज्य सरकार के 10,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में सेना के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। मतदान के दौरान असामाजिक तत्वों के घुसपैठ को रोकने के लिए झारखंड से जुड़ी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा को सील कर दिया गया है। पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है और माओवादियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी अभियान जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं कृष्ण कुमार लाल। इस बीच 16 निर्वाचन क्षेत्रों में इस महीने की 20 तारीख को 5वें और अंतिम चरण के चुनाव का प्रचार अभियान तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुमका में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेता भी राज्य के विभिन्न भागों में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वाहनों से पथकर वसूलने के लिए फास्टैग यानी प्रीपेड टोल की स्वचालित भुगतान व्यवस्था आज सुबह से लागू हो गई है। ये सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि ये प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा पर भुगतान करने के लिए अब लोगों को अपने वाहन रोकने नहीं पड़ेंगे। फास्टैग आज से सारे नेशनल हाईवे चैनल पे मैंडेटरी हो चुका है। जिस गाड़ियों में फास्टैग लगी हुई है वो निर्बाध गति से फास्टैग लेन का यूज करें और बिना रुके आगे जा सकते हैं। इससे उनके समय, ईंधन और पॉल्यूशन की भी कमी होगी। कुछ व्हीकल अभी भी फास्टैग नहीं लगा पाए हैं। उनकी सुविधा के लिए 25% लेन हाइब्रिड रखा गया है और आशा की जाती है कि 30 दिन के अंदर वो भी फास्टैग लगा लेंगे। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि निर्बाध आवागमन के लिए फास्टैग के माध्यम से पथकर वसूलने की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रह प्रणाली लागू की गई है। फास्टैग में रेडियो तरंगों के जरिए वाहनों की पहचान की जाती है और चलते वाहन से सीधे पथकर का भुगतान किया जाता है। यदि कोई चालक फास्टैग के बिना इलेक्ट्रॉनिक पथकर लेन में चला जाता है तो उसे दोगुने शुल्क का भुगतान करना होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फिर कहा है कि उनकी सरकार राज्य की जनता के अधिकारों के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। एक अपील में उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर एक वर्ग राज्य के लोगों को गुमराह कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो जनता के हितों के विरुद्ध होगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि राज्य सरकार बातचीत के जरिए इस मुद्दे का समाधान तलाशने को तैयार है।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्य की स्थिति की जानकारी देने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री से भेंट करेगा। इस बीच स्थिति में सुधार को देखते हुए गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में आज दिन के कर्फ्यू में ढील दी गई है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर विमान सेवाएं भी बहाल हो गई हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय फंसे हुए यात्रियों को आज से 5 दिन तक के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर भोजन उपलब्ध कराएगा। कम दूरी की लगभग 35 रेलगाड़ियों को आज रद्द कर दिया गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने 12 दिसंबर से 4 विशेष रेलगाड़ियां चलाकर लगभग 2400 यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद की। परिवहन विभाग ने फंसे हुए यात्रियों के लिए गुवाहाटी शहर में बसें लगाई हैं। मेघालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध कई दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद राजधानी शिलांग में जनजीवन सामान्य हो रहा है। शिलांग में कर्फ्यू में आज सुबह 6 बजे से 13 घंटे की ढील दी गई। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शहर के किसी भी भाग से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। राज्य सरकार इनर लाइन परमिट के बारे में प्रस्तावित पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। इस बीच असम और मेघालय में वर्तमान स्थिति के कारण संयुक्त सीएसआईआर और यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने घोषणा की है कि अन्य राज्यों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा जारी रहेगी। असम और मेघालय के लिए संशोधित परीक्षा तिथि की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल के हिंसक प्रदर्शनों की निंदा की है। उन्होंने इन घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने दोहराया कि राज्य में एनआरसी और नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने आंदोलनकारियों से हिंसक गतिविधियों के बजाय लोकतांत्रिक रास्ता अपनाने की अपील की। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पट्टी ने सही सूचना के प्रसार के लिए डायरेक्ट टू मोबाइल जैसी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। भावी प्रसारण डायरेक्ट टू मोबाइल के बारे में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी हैदराबाद के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की सूचना लोगों तक तेजी से पहुंचनी चाहिए और डायरेक्ट टू मोबाइल से सही सूचना देने में मदद मिलेगी। उन्होंने प्रसारकों से मोबाइल के माध्यम से लोगों तक पहुंचने में ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने कहा कि उभरती हुई 5G प्रौद्योगिकी में संचार और प्रसारण में भ्रम को देखते हुए डायरेक्ट टू मोबाइल का महत्व बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास लोगों के मोबाइल फोन पर कभी भी कहीं भी सीधे संदेश प्रसारित करने की योग्यता हो। इसके अलावा मनोरंजन और खेलों के प्रति लोगों के रुझान को देखते हुए ये योग्यता और तकनीक क्षेत्रवार विकसित किए जाने की आवश्यकता है और इसे बहुत तेजी से विकसित करना होगा, क्योंकि उपभोक्ता बड़ी तेजी से नई तकनीक अपना रहे हैं। इसलिए हमें उपभोक्ता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पहले से तैयार रहना होगा। कंपनी कार्य मंत्रालय ने नियमों का पालन करने वाली कंपनियों के लिए कारोबार को आसान बनाने के प्रयोजन से कई उपाय किए हैं। मंत्रालय ने ये कदम कारोबार को अधिक आसान बनाने और व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया है। इसमें ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता प्रक्रिया को सशक्त बनाना शामिल है। कारोबारी सुगमता की दृष्टि से विश्व बैंक की रैंकिंग में भारत 14 पायदान बढ़कर 63वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग में भारत की स्थिति में 2015 से लगातार सुधार हो रहा है। लगातार तीसरे वर्ष भारत सबसे अधिक सुधार करने वाले 10 देशों में बना हुआ है। सरकार ने कहा है कि भारतीय आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों को नेपाल और श्रीलंका तथा यूनानी पद्धति को बांग्लादेश में मान्यता प्राप्त है। आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने पिछले सप्ताह लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय ने परंपरागत चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए 22 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। कोयला मंत्रालय ने देश में कोयला खनन को पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने के लिए सतत विकास प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय किया है। इससे खनन कार्य या खानों को बंद करते समय पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करना संभव होगा।
भविष्य में कोयला खनन क्षेत्र में निजी कंपनियों की अधिकता को देखते हुए मंत्रालय का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair हिंदी पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक गतिरोध में कमी आने के संबंध में दोनों देशों की घोषणा के बाद चीन ने आज से अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला टाल दिया है। चीन में आज से कुछ अमेरिकी उत्पादों पर 10% और कुछ अन्य पर 5% शुल्क लगाए जाने की योजना थी। चीन के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका में बने ऑटो और कलपुर्जों पर भी अतिरिक्त शुल्क फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार समझौते के पहले चरण में चीनी उत्पादों पर नए शुल्क लगाने की योजना रद्द कर दी थी। मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में गतिरोध बना हुआ है। दो सप्ताह से जारी वार्ता की अध्यक्षता कर रही चिली की पर्यावरण मंत्री कैरोलिना श्मिट ने सभी प्रतिभागी देशों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे मसौदा संधि में संतुलन बनाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि विश्व के सामने ये उदाहरण रखना होगा कि इस शिखर वार्ता से ठोस नतीजे निकले हैं। उन्होंने कहा कि ये कठिन कार्य है, लेकिन ऐसा करना जरूरी है। नेपाल में सिंधुपाल चौक जिले में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह 8:15 हुई, जब सुनकोशी ग्रामीण नगरपालिका इलाके में एक बस सड़क से फिसलकर 500 मीटर गहरे खड्ड में जा गिरी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कुमार दहाल ने हमारे काठमांडू संवाददाता को बताया कि मृतकों में 8 महिलाएं, 3 पुरुष और 3 बच्चे शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा है कि राष्ट्र के प्रति सरदार पटेल की अभूतपूर्व सेवा से जनता को प्रेरणा मिलती रहेगी। गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेन्नई में हो रहा है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर भारत से पहले बल्लेबाजी करने को कहा। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 46 रन बना लिए थे। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से प्रसारित किया जा रहा है। उत्तर भारत के कई भागों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अनेक भागों में वर्षा और बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है। हिमाचल प्रदेश में हाल में हुए हिमपात और भारी बारिश के बाद स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बर्फीले तूफान और भूस्खलन से सावधान रहने को कहा गया है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार तीसरे दिन बंद होने के कारण कश्मीर घाटी का संपर्क देश के अन्य भागों से कटा रहा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर और रोपवे सेवा खराब मौसम के कारण लगातार दूसरे दिन भी बाधित रही। राजस्थान में भी शीतलहर जारी है। मदर डेयरी ने दूध की कम आपूर्ति और खरीद मूल्य में वृद्धि के कारण दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूध के दाम में 3 रूपये प्रति लीटर तक की वृद्धि की है। नए दाम आज से लागू हो गए हैं। टोकन और पॉलीपैक में मिलने वाले दूध की कीमत 2 से 3 रूपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है। मदर डेयरी बूथ से टोकन और अन्य स्थानों पर थोक विक्रेता से मिलने वाले दूध की कीमत 2 रूपये बढ़ाकर 42 रूपये प्रति लीटर की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 15 निर्वाचन क्षेत्रों में कल के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। सभी वाहनों के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर प्रणाली फास्टैग आज से सुचारू रूप से काम कर रही है। असम के मुख्यमंत्री ने फिर कहा, राज्य सरकार जनता के अधिकारों के प्रति वचनबद्ध। व्यापारिक गतिरोध में कमी आने की संयुक्त घोषणा के बाद चीन ने अमरीकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला टाला। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर भारत से पहले बल्लेबाजी करने को कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।